गुजरात विधानसभा का ये चुनाव नए और युवा चेहरों के प्रयोग की सफलता के लिए याद किया जाएगा। जहां पर बीजेपी के युवा चेहरों ने शानदार और दमदार सफलता हासिल की, तो वहीं कांग्रेस और आप के ज्यादातर चर्चित और युवा चेहरे अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। बीजेपी के युवा चेहरों ने शानदार और दमदार प्रदर्शन किया, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवाड़ी हो, रिवावा जडेजा हो या फिर पायल हो, सब ने शानदार कामयाबी अर्जित की है और अपनी अपनी सीट पर वो एक शानदार नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में अब गुजरात में नई सरकार का गठन शुरू हो चुका है, तो सवाल ये है कि कैबिनेट में किसे जगह मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर ये थी कि हार्दिक पटेल और रिवावा जडेजा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन अब हार्दिक पटेल का काम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और ये काम उनका बिगाड़ रहे हैं उनके दो साथी अल्पेश ठाकुर और पायल कुकरानी। आपको बताएंगे कि अल्पेश और पायल की एंट्री अब कैबिनेट में क्यों होते हुए दिख रही है और हार्दिक का पत्ता क्यों कट रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि हार्दिक पटेल ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी बीजेपी आला कमान देगा वो उसी पर काम करने के लिए तैयार है। ऐसे में हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से जीत दर्ज की, उसके बाद यही लग रहा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी, क्योंकि बीरमगाम में उन्होंने बीजेपी के लिए नई सफलता लिखी है। हार्दिक पटेल के चुनावी नतीजे। हार्दिक पटेल को कुल 98,627 वोट मिले। हार्दिक ने आपके उम्मीदवार अमर सिंह अर्दाजी ठाकुर को हराया। आप प्रत्याशी को 47,072 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 42,412 वोट मिले। हार्दिक ने 51,555 वोट से जीत हासिल की। अब जब हार्दिक ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की तो ऐसा लगा कि कैबिनेट में उन्हें जरूर जगह मिलेगी, क्योंकि शाह और मोदी के भी वो प्रिय हैं। और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक ने कांग्रेस की 10 साल से चली आ रही बीरमगाम में सत्ता उखाड़ फेंकी। और हार्दिक पटेल युवा भी हैं, इसीलिए युवाओं को लुभाने के लिए हार्दिक को कैबिनेट में जगह मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन इसी बीच अब अल्पेश ठाकुर और पायल कुकरानी का नाम भी चर्चा में आ गया और कहा जा रहा है कि हार्दिक का पत्ता काटकर अल्पेश और पायल को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। आपको बता दें कि अल्पेश और पायल ने अपनी सीट से शानदार प्रदर्शन किया और बेहतरीन जीत दर्ज की। अल्पेश ठाकुर और पायल कुकरानी के चुनावी नतीजे। गांधीनगर साउथ से अल्पेश ने शानदार जीत दर्ज की। अल्पेश ठाकुर को 1,33,339 वोट मिले। आप प्रत्याशी देवेंद्र भाई को 10,733 वोट मिले। कांग्रेस के हिमांशु पटेल को 9,017 वोट मिले। अल्पेश को 1,22,606 वोट से प्रचंड जीत मिली। नरोदा से चुनाव लड़ने वाली पायल कुकरानी को भी जीत मिली। बीजेपी उम्मीदवार पायल कुकरानी को 1,12,194 वोट मिले। आपके ओम प्रकाश तिवारी को 28,603 वोट मिले। पायल कुकरानी 83,591 वोट से विजयी हुई। तो कुछ इस तरीके से अल्पेश ठाकुर और पायल कुकरानी ने अपनी अपनी सीट से शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें कि अल्पेश ठाकुर गुजरात साउथ से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी को उन्होंने यहां पर जीत दिलाई। इसके अलावा पायल कुकरानी नरोदा से उम्मीदवार थी और उन्होंने नरोदा में भगवा लहरा दिया। फिलहाल अब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भी दो युवा चेहरे हैं और पायल कुकरानी सबसे कम उम्र की विधायक हैं। ऐसे में वो महिला भी हैं, इसीलिए उनकी कैबिनेट में जगह बनती हुई दिख रही है। अगर अब अल्पेश ठाकुर और पायल कुकरानी कैबिनेट में आते हैं तो निश्चित तौर पर हार्दिक पटेल का पत्ता गुजरात कैबिनेट से कट सकता है। फिलहाल अभी इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सीएम के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे और वहीं पर पता चल जाएगा कि हार्दिक पटेल की कैबिनेट में एंट्री होगी या फिर नहीं। फिलहाल आप कमेंट करके बताएं, अल्पेश ठाकुर, पायल कुकरानी और हार्दिक पटेल में आप किसे कैबिनेट में देखना चाहते हैं।